और रही बात यहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो आज की डेट में लोकल में है नहीं, लोकल से भाग गए हुए हैं। हम इस वक्त ना सियासत करने वाले हैं ना सियासत के बारे में बोलने वाला, सिर्फ बोलने वाले हैं ये कि आप वादा कर गए थे 400 बेटों का, 400 बेट हम अरेंज करे हैं, 400 बेट के चार चार लोग नहीं दिख रहे हैं वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि झूठे वादे लोगों को आवाम को गुमराह मत करिए। इसीलिए आवाम जानती है आप गुमराह कर रहे हैं। एक आपको मोला मालूम होना चाहिए, खाली वो जो परसेंटेज लेते हैं वो परसेंटेज में कई हजार सिलेंडर आते थे ऑक्सीजन, वो भी नहीं कर पाए। तो मैं आज लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आज वक्त देख लीजिए इनका, जिस तरीके से जीता है और आने वाले दिनों में इसी तरीके से उनको पटकी डालिए। कोई ऐसे अवाम ऐसे लोगों को, आपके लोगों, आप लोगों में से ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके साथ 24 घंटे ठहरे हुए रहे। मोहतरमा कांग्रेस के नहीं है, मोहतरमा भी बीजेपी के है। जो बीजेपी की आवाज उठती है वही आप बोलते हैं मीडिया के अंदर। मोहतरमा आप देख नहीं रहे, आप देखिए, आप उनके पूरे बाइट्स निकाल कर देखिए, जो बीजेपी के एमएलए बोलते हैं वो मोहतरमा बोलते हैं। ओजा लेआउट में हमको इतना मालूम है, ओजा लेआउट के अंदर अजीम प्रेम जी का 200 चिल्लर का बेड का अरेंजमेंट डीसी ऐलान किया, वही हमारे मोहतरमा ने ऐलान किया, वो गलत है। मोहतरमा जब से जीते हैं जब से मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ की आवाम को, और आज भी आने वाले दिनों में भी मिसगाइड कर रहे हैं। और आज इस हालात है गुलबर्गा की, इस गुलबर्गा के अंदर इतनी बुरी हालात है, जो लोग जिताए हुए हैं उन्होंने मोहतरमा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बोलकर उनको सम्मान देने वाले हैं। बहुत वक्त जल्दी आने वाला है, उनका सम्मान होगा। आप भी एक थे उसमें, तो वो तो हमने तमाम मीडिया के सामने हमने माफ़ी मांगी है, आज भी हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि भाई हम उस वक्त के हालात बने हुए थे कि भाई इत्तेहाद को कायम रखना, तो वो इत्तेहाद मोहतरमा रख नहीं पा रहे। सर मजलिस का हॉस्पिटल बनाने की बात कही जा रही थी, ऑक्सीजन लगाकर 25 बेड का, क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं हो रही, मजलिस क्या कर रही है? देखिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम जो काम कर रहे हैं आज डोर टू डोर जाकर, हमने 50 सिलेंडर गुलबर्गा में सबसे पहले हम दिए, इसलिए दिए, हम लोग कोविड सेंटर डालना चाह रहे थे गुलबर्गा में, तो कोविड सेंटर की देरी होने की वजह से, परमिशन की उसका देर होने के वजह से, हम लोग सिलेंडर लोगों की जरूरत के हिसाब से उनके घरों तक दे दिए। वो सिलेंडर हम तक वापस नहीं आ रहे अभी, वो कैसा हो रहा है बोले तो पेशेंट उनके पास, जिसको हम सिलेंडर दिए हैं वो पेशेंट बढ़ रहे हैं उनके पास, फैमिली में एक से दो, दो से तीन। सर अभी मजलिस के एमआईएम की कलबुर्गी में क्या क्या प्लान है सर आगे आने वाले दिनों में? देखिए साहब, मजलिस हर वक्त आवाम के साथ है, आने वाले दिनों में भी आवाम के साथ ठहरे भी रहेगी, आवाम के हर वो सुख दुख हर वो काम में रहेगी मजलिस। आज उनका एमपी देख रहे हैं आप, आज उनका एमपी क्या बुरा है, कास्ट फिलिंग ला रहा है। आज कोरोना के अंदर भी कास्ट फिलिंग ला रहे हैं कि ये मुसलमान है ये हिंदू है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का वक्त बुरा लगने वाला है, और इस कोरोना सिटी के अंदर भी इसी ढंग के काम हो रहे हैं। आज सिटी के अंदर भी आप देखिए, आप हमारे पास साउथ एमएलए हचके रीजन के चेयरमैन हैं, चाहते तो 2000 का बेड डाल सकते थे, उनके पास कोई फंड की पूछने की जरूरत नहीं है, फंड इतना अवेलेबल है हज के रीजन के चेयरमैन रहने की वजह से। उन्होंने चाहते तो साउथ में, थोड़े दिन पहले साउथ में, नॉर्थ में, रूलर में, हर 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 जगह डालते थे।